हेलो, आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। मैं सिद्धार्थ आपका स्वागत करता हूँ हमारे प्लेटफॉर्म कास्ट मेडिकल एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप पैरा मेडिकल करने वाले हैं तो पांच ऐसे बेहतरीन कोर्सेज बताएंगे जिनको कर करके आप एक अच्छा खासा सैलरी जनरेट कर सकते हो या अच्छी खासी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जॉब पा सकते हैं। इस वीडियो में हम टोटली डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप ट्वेल्थ पास आउट हो चुके हो या ट्वेल्थ में हो लेकिन पैरा मेडिकल कोर्स करने का सोच रहे हो लेकिन आपको नहीं समझ आ रहा है आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, तो एक आपकी एक छोटी सी आइडिया हो सकती है। इस वीडियो में हमने डिटेल डिस्कशन नहीं किया है किसी भी चीज़ का, सिर्फ कोर्स, कोर्स का ड्यूरेशन, कोर्स का फीस और यही सब चीज़ें डिस्कस की। अगर किसी भी टॉपिक पर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए होगी, सर मुझे इस टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ध्यान रखना, इस वीडियो का लाइक का मैं टारगेट रखता हूँ कि इस वीडियो पे आप 100 लाइक कम से कम करोगे, इससे कम तो नहीं करोगे। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करके आप कमेंट करोगे तो आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर से जरूर मिलेगा। ठीक है, पांच ऐसे सबसे अच्छे पैरामेडिकल कोर्सेज की बात करने वाले हैं जिनमें बहुत सारे होंगे। उन अगर बेसिकली पैरामेडिकल में 18 कोर्सेज आते हैं, हम सिर्फ पांच की बात करने वाले हैं। कितने की बात करने वाले हैं? सिर्फ पांच की बात करने हैं जो कि सबसे बेस्ट है। मैं पांचवें नंबर पे प्रेफरेंस जो देता हूँ वो रेडियोलॉजी का होता है। देखो, बहुत सारे बच्चे नहीं पता है जिनको कि रेडियोलॉजी क्या होता है। मैं आपको बता दूँ, अगर कभी भी किसी भी व्यक्ति का दुर्घटना में हड्डी टूट जाती है, कुछ हो जाता है, तो जब भी आप जाते हैं कहाँ पे एक्सरे करवाने के लिए, कोई और दुर्घटना होती है, आप MRI कराते हैं, कोई समथिंग समथिंग ऐसे करके बहुत सारी टेस्ट होते हैं जिसमें स्कैनिंग का काम किया जाता है, आपकी बॉडी पार्ट्स को स्कैन किया जाता है। वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ करते हैं टेक्नीशियंस, जो भी टेक्नीशियंस करते हैं यूज़, उसको रेडियोलॉजी में माना जाता है, रेडियोलॉजी बोला जाता है। यानी कि आपका हड्डी पैर का टूट गया है और आपका डॉक्टर ने जो बोला है, ठीक है, कि आप एक्सरे करवा लाओ, चाहे डिजिटल हो चाहे फिर एनालॉग ने जो भी पुराना वाला चलता है वो वाला, अगर आप करा के लाते हो, जिन भी व्यक्ति से आप करा करके लाओगे उन्होंने रेडियोलॉजी का कोर्स किया होगा। ठीक है, और रेडियोलॉजी की बात करें तो रेडियोलॉजी आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला तो डिप्लोमा, ठीक है, डिप्लोमा का जो ड्यूरेशन है वो 2 साल का होता है। वहीं पर अगर डिग्री की बात करें कि अगर रेडियोलॉजी से आपको डिग्री करनी है तब आपको 3 साल का समय लगेगा। वहीं पर अगर डिप्लोमा की बात करें तो आपका फीस लगभग 40,000 से 50,000 के आसपास रहती है, प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। लेकिन वहीं पर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे 10 से 15,000 के आसपास पर ईयर की बात है। और सेम वही डिग्री में भी जो 40,000 है सेम वही फीस लगेगी, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, कॉलेज टू कॉलेज डिफर कर सकता है। चौथे नंबर पर मैं प्रेफरेंस देना चाहूँगा फिजियोथेरेपी में। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि सर फिजियोथेरेपी में क्या होता है, फिजियोथेरेपी में किस चीज़ के लिए हम एलिजिबिलिटी पाते हैं, क्या क्या उसमें सीखने को मिलेगा, क्या कोर्स का ड्यूरेशन रहता है, डिप्लोमा कोर्स कितने का होता है, डिग्री कोर्स कितने का होता है, फीस कितनी लगती है, इन सभी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। देखो, फिजियोथेरेपी में क्या होता है, कभी आपके पेट में गैस बन रही हो या फिर कोई भी आपको बॉडी पेन में दिक्कत परेशानी हो, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको बोलेगा, भले आप MBBS के पास जाओ, MD के पास जाओ, वो आपको सजेशन देगा कि आप एक फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाओ। फिजियोथेरेपिस्ट में क्या होता है, आपको योगा या कसरत करके चीज़ें बताई जाएंगी कि आप इस तरीके से करो तो नेचुरली आप जो भी आपके अंदर खामियां हैं, दिक्कतें हैं, उनको हील कर पाओगे। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको यहाँ पर कमर में दर्द रहता है लेकिन दवाइयाँ खा खर करके वो ऊब जाते हैं लेकिन उनका दर्द नहीं ठीक होता। लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाज हैं BPT में, फिजियोथेरेपी में, ठीक है, जिनकी वजह से वो प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। ऐसी चीज़ों में फिजिकली एक्सरसाइज करा करके उनके बारे बॉडी के पार्ट्स के बारे में बताना, सिखाना, एक्सरसाइज करके ट्रीटमेंट करना, इस चीज़ को हम फिजियोथेरेपी में काउंट करते हैं। इसके ड्यूरेशन की बात करें सेम ये भी कितने 3 साल का है, अगर हम डिग्री की बात करें तो 4 साल का है और डिप्लोमा की बात करें तो 2 साल का है। फीस की वहीं पर बात करें 40,000 के आसपास है, 40,000 से 50,000 ये थोड़ा सा 55 ऐसा मान के चलो, सब हर नर्सिंग कॉलेज में मेडिकल कॉलेज में डिफर करता है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। और वहीं पर डिग्री में भी उतना ही है, प्राइवेट में ध्यान रखना फीस लगभग लगभग सबका सेम है, सबका कोर्स ड्यूरेशन भी सेम है, कुछ कुछ का कोर्स ड्यूरेशन अलग है और बाकी सबका सेम है। वहीं पर अब हम देखेंगे तीसरे नंबर पे डायलिसिंग टेक्नीशियन, DT जिसे बोलते हैं, डायलाइजिंग टेक्नीशियन। जैसे कि अब बच्चों को नहीं पता होगा कि डायलिसिंग टेक्नीशियन क्या होता है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसकी किडनी खराब हो चुकी है, क्या किडनी खराब हो चुकी है, वो क्या करेगा, एक ऐसे डॉक्टर के पास जाएगा, पहले तो शायद हो सकता है अपने आसपास के नज़दीकी MBBS डॉक्टर के पास जाए, उससे ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा तो वो क्या बोलेगा कि आप नेफ्रो के पास जाओ, नेफ्रो मीन्स नेफ्रोलॉजिस्ट, ऐसे डॉक्टर जो ट्रीटमेंट ऑफ किडनी से डील करते हैं उनको हम नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब वहाँ पर उस नेफ्रो के
चैम्बर में वहाँ पे एक डॉक्टर अवेलेबल होगा और स्टाफ नर्सेज होंगे, उनमें एक ऐसा भी व्यक्ति मौजूद होगा जो डायलाइजिंग टेक्नीशियन होगा। इसमें जो डायलाइजिंग मशीन होती है, जो डायलाइजर होता है, जो मशीन होता है, उसको कंट्रोलिंग के बारे में ज़्यादा, डॉक्टर उसको ऑर्डर्स देगा आप ये करो वो करो, आप ये करो वो करो, वो चीज़ें करेगा, लेकिन ध्यान रखना वो सिर्फ डायलाइजिंग में ही काम करेगा, किडनी वाले में ही काम करेगा, ऐसा नहीं है कि हड्डी वाले में चला जाए या रेडियोलॉजी वाला काम करने लग जाए, ऐसा नहीं होगा। आपने अगर डायलाइजिंग टेक्नीशियन की डिग्री ली है या फिर डिप्लोमा लिया है तो आप डायलाइजिंग टेक्नीशियन की तरफ ही जाओगे। इसमें भी सेम चीज़ें वहीं, 2 साल का डिप्लोमा है और डिग्री 4 साल की है, फीस 40 से 50 हज़ार के आसपास है, सेम आप इसमें भी पर ईयर की है। देखो जितनी भी फीसेस बता रहा हूँ वो पर ईयर है और थोड़ा बहुत डिफर करता है कॉलेज टू कॉलेज और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, स्टेट टू स्टेट भी थोड़ा बहुत 10-5 हज़ार का कम ज़्यादा ऊपर नीचे चलता है, और ड्यूरेशन उतना ही है सबका, लगभग लगभग एक आध का चेंज है, लेकिन मैं ड्यूरेशन सबको आपको सही तरीके से बताता जा रहा हूँ। दूसरे नंबर पर बात करेंगे ऑपरेशन टेक्नीशियन, जैसे ऑपरेशन थिएटर भी आप बहुत सारे लोग ओटी, दो चीज़ें होती हैं, एक तो ऑपरेशन थिएटर हो जाता है, एक ऑपरेशन टेक्नीशियन हो जाता है। अब ऑपरेशन टेक्नीशियन में आपको क्या काम करना पड़ेगा, मान लीजिए आप एक एमएस के साथ काम करेंगे, क्या एक एमएस के साथ एक मास्टर ऑफ सर्जरी वाले पर्सन डॉक्टर के पास में, अब वहाँ पर जो भी पेशेंट्स आएंगे चाहे वो हार्ट के हों, चाहे वो बोन्स के हों या फिर किसी भी चीज़ के हों, ठीक है, तो वहाँ पर उस जो ऑपरेशन थिएटर होगा वहाँ का जो टेक्नीशियन होगा, लाइक डॉक्टर करेगा हर काम लेकिन आपको बोलेगा कि मुझे ये चीज़ ला के दो, अरे इंजेक्शन निकालो उसमें 10 ml डालो, 15 ml डालो, अब पेशेंट को लगा दो, यहाँ पर लगा दो, वो आपको डायरेक्शन देगा करने के लिए। तो ऑपरेशन में जो भी वर्क करने पड़ते हैं तो डॉक्टर के कहने पर भी और कुछ अपने दिमाग से भी, ठीक है, ठीक है, मीन इनकेस अगर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर चला जाता है तो पूरी जिम्मेदारी आपकी बन जाती है उस पेशेंट की केयर करना, ये चीज़ होता है ऑपरेशन थिएटर वाले में। ऑपरेशन टेक्नीशियन में डिप्लोमा 2 साल का होता है, और वहीं पर हम बात करें इसकी डिग्री, डिग्री कितनी की होती है 3 साल की होती है, फीस यहाँ पर लिखी हुई 40 से 50 हज़ार डिप्लोमा की है और 1 से 1.5 लाख रुपये के आसपास पड़ जाती है किसके, डिग्री कोर्सेज की, किसकी पड़ जाती है डिग्री कोर्सेज की, ठीक है। अगर मैंने बताया ना, अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए हो कि किसी भी कोर्स का, चाहे जितने भी मैंने बताए हैं, क्या जितने भी बताए हैं किसी का भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ज़रूर से ज़रूर उस पर वीडियो लाया जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें बी एम एल टी का फुल फॉर्म होता है बैचलर्स ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। जब कभी भी आप बीमार पड़ते हो डॉक्टर बोलता है कि आप अपना CBC रिपोर्ट करा के आओ, CBC ब्लड टेस्ट करा के आओ, विडाल करा के आओ, ठीक है, मलेरिया करा के आओ बोलता है ना, तो जब आप जहाँ पर कराने जाते हो क्या करता है, आपका ब्लड का सैंपल लेता है और जाकर के वो अपना माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ टेस्टिंग करता है, बहुत सारे स्ट्रेंट्स का यूज़ करता है, उसके बाद जाकर के एक रिपोर्ट तैयार करता है। तो वहाँ पर जो ब्लड सैंपल कलेक्ट किया वो तो कोई भी कर सकता है, कोई ऐसा नहीं बिना डिग्री वाला ऐसा नहीं है, उसके लिए भी प्रॉपर पढ़ाई भी करनी पड़ती है, सीखना भी पड़ता है। तो चाहे तो आप साथ में दोनों कर सकते हैं, आप ब्लड सैंपल भी कलेक्ट कर सकते हो, साथ ही साथ में आप जो रिपोर्ट तैयार करोगे, जो वहाँ पर टेस्टिंग करोगे, मेन काम आपका टेस्टिंग होगा। अगर आप लेबोरेटरी टेक्नीशियन करते हो क्या होगा, ब्लड टेस्टिंग, स्पूटम टेस्टिंग, यूरिन टेस्टिंग, ये जितने भी टेस्टिंग होती हैं वो आपको इसमें करने पड़ेंगे। इसमें आप अपने खुद का भी प्राइवेट अपना शॉप ओपन कर सकते हो, क्लिनिक टाइप में, जहाँ पर इन चीज़ों की टेस्टिंग होती है, डायग्नोस्टिक सेंटर, और साथ ही साथ में आप गवर्नमेंट जॉब्स में भी इसमें अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा स्कोप है, इसीलिए मैंने इसमें नंबर 1 पे रखा। और ये जब मौसम बदलता है, लोग बीमार पड़ते हैं और लोगों को याद आती है डॉक्टर की, तो फिर पहुंच जाते हैं, तो डॉक्टर भी भेज देता है इन लोगों के पास, ठीक है। तो इसकी अगर डिग्री की बात करें, वही डिग्री इसकी 3 ईयर्स की होती है BMLT की, ठीक है। और वहीं पर फीस की बात करें, क्या फीस की बात करें तो 10 से 15 हज़ार गवर्नमेंट में लग जाती है, और प्राइवेट में वही बात करें तो 50 से 60 हज़ार प्राइवेट कॉलेजेस में फीस लग जाती है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे, चाहे वो BMLT हो, उसके बाद आपका फिजियोथेरेपी हो, OT हो, किसी पर भी डिटेल वीडियो चाहिए हो कि अगर हम MLT कर लेते हैं, BMLT कर लेते हैं, आगे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपके जो भी मन में डाउट है आप हमें एकदम बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वहाँ पर अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर ज़रूर मैसेज करें, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, वहाँ पर इंस्टाग्राम से गारंटी है। अगर आपको यूट्यूब से कमेंट का रिप्लाई नहीं मिला है तो गारंटी है इंस्टाग्राम के DM से आपको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।